इस दुख की घड़ी में उन्होंने मेरा साथ निभाया और मुझे अपने सिंबल से चुनाव में जाने का मौका दिया। तेजस्वी यादव जी ने और आदरणीय लालू जी ने इनको सम्मान दिया है इस दुख के घड़ी में, और इसके लिए सहानुभूति पूरे बोचहा प्रखंड में सहानुभूति है, अपार मत से ही जीत के आएंगे। जनता से पूछ के ही मुझे ये सिंबल दिया गया है और जनता 12 तारीख को आपको इसका जवाब देगी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज, मेरा नाम अभिषेक है। राजद के प्रत्याशी अमर पासवान ने आज नामांकन किया है, नामांकन स्थल पर नामांकन किया गया, उनके साथ कई विधायक और उनके नेतागण शामिल थे। इस दौरान उन्होंने कई सारी बातों को कहा है। विधायक मुन्ना यादव ने भी कहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, किसी के आने जाने से किसी कोई फर्क नहीं पड़ता है। और रमई राम की बेटी तो राजद के खिलाफ ही पिछले चुनाव में चुनाव लड़ रही थी, बसपा से चुनाव लड़ा था। वहीं अमर पासवान ने कहा है मुकेश सहनी का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, किसी फैक्टर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी जीत को लेकर अचुए थे। क्या कुछ कह रहे हैं अमर पासवान और विधायक मुन्ना यादव, आप वो सुनिए। अरे मुकेश जी, देखिए यहाँ जो राष्ट्रीय जनता दल का चारों तरफ जो है तूफान मचा हुआ है कि इस बार अमर पासवान जी जो मुकेश जी के पार्टी में थे एनडीए गठबंधन में, तो स्वाभाविक था कि हाँ पिता के मरने के बाद अगर पुत्र अगर उसके लायक है तो उसको जगह मिलना चाहिए। पूरे देश में ऐसा कोई घराना बता दीजिए जहाँ कि हाँ बीच में अगर कोई दिवंगत हो जाते तो उनके परिवार को नहीं पूछा जाता। इनको तो किनार कर दिया गया। तेजस्वी यादव जी ने और आदरणीय लालू जी ने इनको सम्मान दिया है इस दुख के घड़ी में, और इसके लिए सहानुभूति पूरे बोचहा प्रखंड में सहानुभूति है, अपार मत से ही जीत के आएंगे। वीआईपी के प्रत्याशी थे, बसपा के प्रत्याशी थे सकराम में, कि आरजेडी के प्रत्याशी थे। अरे रमई राम लड़ रहे हैं, रमई राम जिसमें रमई बाबू लड़ रहे थे उस समय उनकी बेटी उनके खिलाफ थी। रमई राम जी जिस समय लड़ रहे थे हम लोगों के लोग ताकत से लड़ रहे थे उस समय उनकी बेटी ही उनके खिलाफ में थी, वो तो बसपा से लड़ रही थी उस समय, अभी वीआईपी से लड़ रही है। अरे भाई कोई भी आदमी अगर सहानुभूति किसी के प्रति देता है तो इसमें कोई आपत्ति है क्या? चोरी क्या कर लिया भाई, हम लोगों ने तो वैसे दबे कुचले लोगों को उठा करके गले से लगाया जी। बहुत खुशी मिल रही है कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी गरीबों के नेता और माननीय तेजस्वी यादव जी के द्वारा मुझे सहायता, और इस दुख की घड़ी में उन्होंने मेरा साथ निभाया और मुझे अपने सिंबल से चुनाव में जाने का मौका दिया। और जनता के प्रति उनका विश्वास, जनता से पूछ के ही मुझे ये सिंबल दिया गया है और जनता 12 तारीख को आपको इसका जवाब देगी और एक एक मत राष्ट्रीय जनता दल के खाते में जाएगा। सिंबल तो अमर कुमार पासवान जी के नाम पे है, तो और वो तो वीआईपी से लड़ रहे हैं और वो खुद नहीं लड़ रहे हैं, वो अपनी बेटी गीता जी को लड़ा रहे हैं। तो इसमें और हमारे साथ सभी विधायक गण हमारे राष्ट्रीय जनता दल के हमारे साथ हैं और पूरे कार्यकर्ताओं में जोश खरोश के माहौल है, और हम लोग अब से अपने काम में और क्षेत्र में जनता के बीच में लगेंगे। क्या मुकेश सहनी के वोटों से जो है कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आरजेडी को? जी नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है उन वोटों से, और हमारा एक एक कार्यकर्ता बहुत मजबूत है और एक एक कार्यकर्ता लाख लाख आदमी के बराबर कदम रखता है और मजबूती के साथ अपने कार्य क्षेत्र में राष्ट्रीय जनता जी जीत के लिए पूरे आश्वस्त हैं, और पूरे के पूरे एक नंबर की दौड़ में ही हमने 2 और 3 नंबर की दौड़ में बीजेपी और वीआईपी की लड़ाई चल रही है। सुना कि किस तरीके से आज नामांकन हुआ है, राजद प्रत्याशी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है हमारी जीत सुनिश्चित है, हम एक नंबर पायदान पर हैं और हमारी जीत होगी। वहीं मुन्ना यादव ने भी साफ साफ कहा है राजद जीतेगा, और मुकेश सहनी और रमई राम के सवालों पर भी जवाब दिया है। तो बने रहिए लाइव सिटी के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।